नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। तो आज गुरुवार है, थोड़ा देर से मगर हाजिर हूँ। ग्रुप संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, लेकिन वैसे इस हफ्ता कुछ बहुत ज़्यादा सूचनाएं हैं नहीं, क्योंकि आप जानते हैं छुट्टियों से भरा हुआ समय रहा और हम लोग भी छुट्टियों में थे, ऑफिस भी 4 दिन बंद था, 11 से 14 तारीख तक रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस। और फिर भी मैंने कहा चलो गुरुवार है तो सूचनाएं तो देनी है कुछ ना कुछ। तो आज सीमा जी उपलब्ध नहीं है तो इसीलिए आज आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा। बहरहाल सूचना कहें तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 सप्ताह से लगातार हर गुरुवार को संकल्प कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। और संकल्प कार्यक्रम का जो समय है रात को 9:30 से 10 बजे तक रहता है हर गुरुवार को ही। और कहाँ रहता है? रेडियो मधुबन पर। रेडियो मधुबन आपको तमाम जो ऐप हैं उनके अंदर भी मिल जाएगा। रेडियो मधुबन का अपना भी एक ऐप है और इसके अलावा रेडियो मधुबन का भी अपना यूट्यूब चैनल भी है, सब कुछ है, तो आप वहाँ जा कर के भी सुन सकते हैं। और रेडियो मधुबन की वेबसाइट भी है अपनी, तो कुल मिला के जहाँ से भी चाहें आप जा कर के। वैसे ऐप भी बड़ा एक्सेसिबल है। तो हर गुरुवार रात 9:30 से 10 बजे तक। अब लेकिन आप सब के लिए सूचना ये है कि आपने अगर कुछ किया है, आपने भी कोई ऐसा काम किया है जिसका लाभ बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे किसी भी वर्ग के, चाहे वो दिव्यांग हों या दिव्यांग ना भी हों, या आपके कोई ऐसे जानने वाले जो हमारे दिव्यांग समाज से नहीं भी हैं, साइटेड हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया है, किसी भी तरह का कार्य, ज़रूरी नहीं है कि वो दिव्यांगों के लिए ही किया हो, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, समाज सुधार का, समाज सेवा का, समाज में मदद पहुंचाने का कोई सा भी अगर प्रकल्प उनके द्वारा किया जा रहा है तो वो संकल्प कार्यक्रम में उनका स्वागत है। साथ ही साथ हमराही की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उपयुक्त जो कपल्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, यानी जो लोग शादीशुदा हैं, अब आजकल पता नहीं वो लोग कतराते हैं कार्यक्रम में आने से। तो आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आना चाहते हो कार्यक्रम में तो उनका स्वागत है, आप बता सकते हैं उसके लिए भी, मन की आंखों से के लिए भी आप आ सकते हैं। अगर आपकी कोई अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां रही है या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने दृष्टिबाधित होते हुए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय करके दिखाया है, तो फिर मन की आंखों से कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। बाकी रेडियो मधुबन की बात हो गई, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप अभी 50% छूट पर मिल रहा है, यानी 499 का जो प्लान था वो आपको 249 रुपये में मिल रहा है पूरे 1 साल, यानी पूरे 365 दिनों के लिए। और जो 49 रुपीज़ 49 रुपये का जो प्लान था महीने भर के लिए, वो आपको केवल और केवल 25 रुपये में मिल रहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि करीबन 10-15 साथियों ने, 15 तो नहीं लेकिन हाँ 10-12 साथियों ने इसका लाभ भी उठाया है अभी तक। 10 तारीख से ऑफर चल रहा है और वैसे इसको हमें 15 तक ही करना था, लेकिन आज भी 16 को भी ये चल रहा है और आने वाले कुछ दिन यानी 19 नवंबर तक तो ये है ही है, हो सकता है 20 नवंबर से हम इसको बंद कर दें। 19 नवंबर को भारत विश्व कप का फाइनल खेलेगा और भारत की जीत की हम सब दुआएं करते हैं, तो इसीलिए 19 नवंबर तक इसको हमने बढ़ा दिया है। और 19 नवंबर को आप तब तक, मतलब आज 16 है तो 19 नवंबर तक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि आप लोगों को अगर ये जानकारी है तो इस जानकारी को और दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको अपने तरीके से बताएं, अपनी भाषा में बताएं, आप रिकॉर्डिंग क्लब के सहयोगी बने, साथी बने, यही हम लोग चाहते हैं। सहयोगी और साथी से याद आया भाई, हमने 22 अक्टूबर को कोर ग्रुप में जुड़ने का आह्वान किया था और बताते हुए बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक 4 नए साथी उस आह्वान के बाद जुड़ गए। तो उनके बारे में हमने पिछले गुरुवार भी बताया था आप सबको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुषमा कुमारी जी हैं, प्रतीक भाई हैं और संजय सर हैं और पवन सर हैं। तो ये 4 नए साथी अलग अलग राज्यों से, सबसे अच्छी बात ये भी है कि अलग अलग क्षेत्रों से 4 साथी जुड़े हैं। तो धीरे धीरे पूरे भारत में जो विस्तार करने की हमारी योजना है वो होती जा रही है, और जो साथी सक्षम हैं, जो जॉब में हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं,
अगर वो साथी इस ग्रुप इन्फो को सुने या उन तक किसी तरह से इस जानकारी को आप लोग पहुंचा पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे कोर ग्रुप में, उतना ही रिकॉर्डिंग क्लब ऐप हो या रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी हुई कोई भी सुविधा हो, वो आपको और जल्दी मिलेगी और बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। तो भविष्य में अगर हमारी कोर टीम का और विस्तार होता है, हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं, तो हो सकता है ये रिकॉर्डिंग क्लब ऐप आपको और भी ज़्यादा सब्सिडाइज रेट्स पर यानी कम कीमत पर मिल सकता है, हो सकता है निशुल्क भी हो जाए, लेकिन ज़रूरी ये है कि ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े। अभी 4 साथी जुड़े तो हमने फटाफट आप लोगों को ऑफर दे दिया, वरना पिछली दिवाली पर नहीं दिया था हमने। तो खैर ये है एक तो बात, और कोर ग्रुप में जुड़ने का तरीका बड़ा आसान है जी। आप हर महीने 1,000 रुपये का सहयोग दे सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि भाई कितने महीने देना है। जब तक आप सहयोग देंगे तब तक आप कोर ग्रुप का हिस्सा रहेंगे, और कोर ग्रुप से जब चाहे जब आप अपनी इच्छा अनुसार या आपकी परिस्थिति अनुसार छोड़ भी सकते हैं। आप एक साथ 12 महीने के शुल्क भी दे सकते हैं, आप एक साथ 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, और हर महीने एक 1,000 रुपये भी आप दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपको सहयोग करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कोई भी काम अपने हाथ में ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी काम अपने हाथ में ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब की कोई भी योजना जो बनाई जाती है उसमें आप अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं, और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप कहीं पर बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव के लिए भी आप आह्वान कर सकते हैं, और आपकी इच्छा अनुसार बदलाव होगा भी। और रिकॉर्डिंग क्लब में एक खास बात बताऊं दोस्तों, मैं हम लोग बहुमत या फिर वोटिंग ऐसी चीज़ों पर नहीं चलते हैं। आमतौर पर हमारी कोशिश ही रही है अभी तक, आगे का पता नहीं, अभी तक ये कोशिश रही है कि सर्वसम्मति से, मसलन अभी हम लोग कोर ग्रुप में कुछ 14-15 लोग हैं, बल्कि 15-16 लोग हैं करीबन, तो हर व्यक्ति जब तक सहमत नहीं हो जाए तब तक उस बात को अप्रूव नहीं किया जाता है। आमतौर पर हम ये मान करके चलते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति है ये, लेकिन अभी तक तो हमें इसमें कहीं कोई असुविधा हुई नहीं है, और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ जो साथी जुड़ते हैं वो हमारा सौभाग्य है कि इतने सुलझे हुए, इतने समर्पित और इतने सकारात्मक विचारों वाले जुड़ते हैं कि ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और रिकॉर्डिंग क्लब की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्डिंग क्लब की पूरी गतिविधियों को अगर आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोर ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप जो चाहें जैसे चाहें रिकॉर्डिंग क्लब को अपने तरीके से आगे बढ़ाने में हम सब का योगदान कर सकते हैं, या यूं कहें कि मैं और बाकी हम सब साथी आप सबका योगदान कर सकते हैं। तो खैर अब आप लोग जो भी सुन रहे हैं, आप किसी को जानते हैं तो उन्हें भी आप जोड़ें। आप अगर सक्षम हैं आर्थिक रूप से तो आप ही जुड़ें, क्योंकि अगर काम करने की इच्छा तो देखो साथियों बहुतों में होती है, और बहुत साथी निस्वार्थ भाव से कर भी रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो हमारे कोर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन तो भी वो हम सब कोर ग्रुप के साथियों से भी कई गुना ज़्यादा समर्पित हैं। इसलिए ऐसा नहीं है काम, लेकिन बस ये है कि आप जानते हैं हर सिस्टम हर संगठन का एक अपना एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, और उसी को हम सबको भी जीना है, उसी के साथ हम सबको भी आगे बढ़ना है। तो इसीलिए एक समिति है छोटी सी हमारी को, जिसको हम कोर ग्रुप कहते हैं, कोर टीम भी कह सकते हो, आरसी टीम भी कह सकते हो, जो आपको जैसा ठीक लगे वैसा। इसीलिए हम अपने नाम के आगे फिर आरसी का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आरसी संदीप, रिकॉर्डिंग क्लब सीधा सा मतलब है आरसी संदीप का, और आरसी रेडी टू फेस चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार। तो खैर अब इंतज़ार है और साथियों का भी, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा कन्वेंशन पूरा हो 7वां, तब तक और साथी इसमें जुड़े। तो आज मैं फिर आह्वान करता हूँ इस ग्रुप इन्फो के माध्यम से कि आप लोग अगर सक्षम हैं और लोग भी जुड़ना चाहें तो इस कोर ग्रुप का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, हमारा कोई भी कन्वेंशन होता है वहाँ आप और आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स को निःशुल्क एंट्री भी रहती है कोर ग्रुप का मेम्बर होने पर। इसके अलावा साल में अगर कोई और भी प्रोग्राम हो, जैसे इस साल मई में हमारा आरसी उत्सव हुआ था, वो कन्वेंशन नहीं था लेकिन एक प्रोग्राम था, तो ऐसे कार्यक्रमों में भी आप अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और साल में हम लोग 2 बार ऑफलाइन
मिलने का प्रयास करते हैं और कोशिश हमारी सफल भी हो जाती है। तो साल में 2 बार ऑफलाइन मिलते हैं और हर 3 महीने में हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं। बाकी वैसे हम लोग ज़रूरत पड़ने पर हर महीने भी मिल लेते हैं ऑनलाइन। तो खैर ये कुछ बातें हैं इंटरनल जो जिससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों को संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग क्लब की कार्यप्रणाली जो गतिविधियां हैं वो अब बढ़ रही हैं, तो ये पारदर्शिता भी आनी चाहिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि हमारी कार्यप्रणाली रहती कैसी है, तो उसका जवाब आज इस ग्रुप इन्फो के माध्यम से आप सबको ज़रूर मिल रहा है। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब की जो स्टोरी है जिसमें हम अब तक की यात्रा का वर्णन करते हैं, अलग अलग लोगों को लेकर के आते हैं, अब आने वाले समय में और भी लोगों को लेकर के आएंगे, और बस कहानी को शुरू करना है इतना ही कह सकता हूँ। माफ़ी चाहते हुए आप सबसे कि मैं खुद ही कहानी नहीं ला पा रहा हूँ, कुछ पारिवारिक और कुछ कन्वेंशन की व्यस्तताएं हैं इन दिनों इस वजह से। और अब रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में भी कामकाज शुरू हो गया है। आप लोगों को जो भी बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करवानी है आप संपर्क करें 7737868659, और अगर आप कोर ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो भी आप 7737868659 पर संपर्क करें। प्लस आप किसी भी एडमिन को अगर जानते हैं, मान लीजिए मुझे जानते हैं या किसी और को भी जानते हैं, हमारे किसी कोर टीम मेंबर को, एडमिन का मतलब कोर टीम मेंबर, तो रिकॉर्डिंग क्लब का जो हमारा मेन ग्रुप है जितने एडमिन हैं वो सब हमारे कोर मेंबर्स हैं, तो आप लोग किसी भी कोर मेंबर से भी संपर्क करके भी कोर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं या उसके लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप बुक्स के लिए रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में संपर्क करें, फिर बाद में जब बुक्स ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार लंबा करना पड़ सकता है। और ऐप पर अभी योजना मैगजीन रिकॉर्ड की जा रही है अक्टूबर महीने की, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। क्रोनोलॉजी भी रिकॉर्ड हो रही है नवंबर महीने की, वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। और दृष्टि और मेरी सहेली जो नई पत्रिकाएं हमने शुरू की हैं उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हम लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं आजकल। आप चाहे हमारा अखबार सुने या फिर हमारी कोई बुक सुने, सब कुछ हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। 7वां कन्वेंशन हो रहा है इंदौर में, कब हो रहा है 26 से 29 दिसंबर 2023 के मध्य। उससे जुड़े हुए अपडेट्स भी हम लोगों को आप लोगों को देते रहते हैं हर संडे को, कि कन्वेंशन में कितने लोग आ रहे हैं, सबसे कम उम्र का कौन है, सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किसका हुआ, किस राज्य से कितने लोग आ रहे हैं और औसत आयु कितनी है इस कन्वेंशन की, इस तरह की तमाम जानकारियां अभी तक हम कुल मिलाकर के 1 अक्टूबर से लेकर के अभी 12 नवंबर तक, बल्कि 14 नवंबर तक हम लोग हर संडे के हिसाब से 7 संडे हुए हैं, तो 28 अपडेट्स कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग दे चुके हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें सुनना तो संपर्क कर सकते हैं ऑफिस में, आपको अपडेट्स सुनने को जरूर मिलेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग क्लब के सभी मंचों पर हम उनको शेयर भी करते हैं। बोलने का मन बहुत करता है दोस्तों, लेकिन जो कार्यक्रम है निर्धारित वो कार्यक्रम पता नहीं क्यों नहीं समयबद्ध तरीके से हो पाते हैं। अब देखिए बोलते बोलते ग्रुप इन्फो भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम। रिकॉर्डिंग क्लब के साथ मिलकर के आप लोग भी कोई भी प्रोग्राम करना चाहें, किसी भी तरह का सुझाव आपका हमेशा स्वीकार्य है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ कर पाएँ। अब प्रयास कितना सफल होता है ये नहीं पता, लेकिन चलिए। तो आज जिन भी साथियों का जन्मदिन है, कोई भी खुशी का समाचार है किसी भी तरह का, आज खुशियों भरा दिन है आपके जीवन में, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाला हर पल आपका खुशियों से भरा हुआ हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो और समाज के हित में निरंतर कार्य आप करते रहें, यही कामना करता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब का उद्देश्य पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें, और रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और उसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज के साथ, आज के लिए इतना ही।
अगर कुछ गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।